The number of triangles that can be formed by choosing the vertices from a set of twelve points, seven of which lie on the same straight line is so suppose n is the total number of points n hemera, total number of points in this case it is equal to twelve and के इज द नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट मतलब पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन सो के इज द नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट अब यहां पर हमें दिया हुआ है दट सेवन पॉइंट्स आ कोलिनियर सो इन सच अ केस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो हम फॉर्म कर सकते हैं सो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्मड इसका फॉर्मूला है एन सी थ्री बिकॉज ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए हमें तीन पॉइंट की जरूरत होती है तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की तो पहले हम ये ट्वेल्व के साथ कॉम्बिनेशन देखते हैं ट्वेल्व सी थ्री लेकिन उसमें से सात कोलिनियर पॉइंट है इसलिए हम माइनस कर देंगे के सी थ्री सो रिमेंबर इफ एन इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट जिसमें से के पॉइंट कोलिनियर है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म इज ऑप्टेन बाय एन सी थ्री माइनस के सी थ्री अब ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं ये हो जाएगा ट्वेल्व सी थ्री माइनस सेवन सी थ्री इसका कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं ट्वेल्व सी थ्री को हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं एज ट्वेल्व इन इलेवन टेन थ्री टर्म्स अपॉन थ्री इंटू टू इंटू वन माइनस वैसे ही सेवन सी थ्री को हम लिख सकते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव तीन टर्म्स लिखेंगे यहाँ थ्री है और नीचे थ्री इंटू टू इंटू वन नाउ थ्री टू झा सिक्स सिक्स टू झा होता है ट्वेल्व ये हो जाएगा ट्वेंटी टू इंटू टेन दैट इज टू ट्वेंटी minus three twos are 6 or a 6 cancel dete so 7 5's are hai. 35 let us perform the division uh, sorry subtraction 220 minus 35 the answer is 185 which is option a a code word consists of two english alphabets followed by two distinct numbers between 1 and 9 हाउ मेनी सच कोड व अब यहां पर बिटवीन नहीं होना चाहिए था फ्रॉम वन टू नाइन ओके ये करेक्शन है यहाँ पर अब हमें कोडवर्ड फॉर्म करना है जिसमें दो इंग्लिश लेटर्स आएंगे से दिस इज द फर्स्ट लेटर एल वन फिर आएगा सेकेंड लेटर L2 टू एंड दो डिस्टिंक्ट नंबर आएंगे इसके बाद तो यहाँ पे आएगा आपका से द फर्स्ट नंबर N1 और फिर सेकेंड नंबर N2 अब हमारे पास जो चॉइसेस है यहाँ पे वी हैव ए टू जेड यानी 26 ऑप्शंस अवेलेबल है तो फर्स्ट लेटर कैन बी अरेन्ज इन ट्वेंटी सिक्स वेज तो इसमें से एक हम यहां फिट कर देंगे देन सेकेंड लेटर के लिए हमारे पास रह जाएंगे ट्वेंटी फाइव सो सेकेंड लेटर कुड बी अरेंज्ड इन ट्वेंटी फाइव वेज और ये दो नंबर्स के लिए वो भी हमें डिस्टिंक्ट नंबर्स का है तो दोनों बार अलग अलग नंबर्स यूज करना है वी हैव वन टू नाइन तो फर्स्ट नंबर के लिए हमारे पास है वन टू नाइन यानी नौ no चॉइसेस है सो दिस कुड बी अरेंज्ड इन नाइन वेज अब एक यहां पर फिट कर देंगे ये वन टू नाइन में से तो सेकंड नंबर के लिए हमारे पास बचते हैं एट ऑप्शंस सो दिस कुड बी अरेंज्ड इन एट वेज अब ये सारे स्टेप्स करना कंपल्शन है यानी फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर तो यहां पर हम नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करेंगे ये चारों भरने पर ही हमारा कोडवर्ड रेडी होगा सो यू हैव टू अरेज एल वन एंड एल टू एंड एन वन एंड एन टू सो नंबर ऑफ वेज यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे यूजिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कोड वर्ड्स मिल जाएंगे सो ट्वेंटी सिक्स इन टू ट्वेंटी फाइव इन नाइन इन एट दैट गिवस अस फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड सो फोर्टी सिक्स थाउजेंड एट हंड्रेड कोड वर्ड्स हम फॉर्म कर सकते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बॉय हैज थ्री लाइब्रेरी टिकेट्स एंड एट बुक्स ऑफ इज इंटरेस्ट इन द लाइब्रेरी ऑफ दीज एट ही डज नॉट वॉन्ट टू बोरो पार्ट टू एंडलेस मैथ्स पार्ट वन इज ऑल्सो बोरड इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द थ्री बुक्स टू बी बोरोड तो यहाँ पे मैथ्स वन मैथ्स पार्ट टू एंड अदर्स ये ऐसे हम कैटेगराइज कर देते हैं हमारे पास टोटल है आठ बुक्स सो so, उसमें एक मैथ्स वन है एक मैथ्स पार्ट टू है एंड बाकी के सिक्स अदर्स है अब कहा गया है वो मैथ्स पार्ट टू बोरो नहीं करेगा अगर पार्ट वन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे केसेस देखिए फर्स्ट केस जो होगा और उसे तीन बुक्स ही बोरो करने हैं तो अगर वो मैथ्स पार्ट वन बोरो करता है मैथ्स पार्ट टू भी बोरो करता है तो दो बुक्स तो बोरो कर दिए लेकिन उसे बोरो करना है सिर्फ तीन बुक्स बिकॉज ही हैज ओनली थ्री लाइब्रेरी टिकट्स तो अब उसे एक ही बुक सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करेगा ये रिमेनिंग सिक्स में से सो फ्रॉम सिक्स ही विल सिलेक्ट एनी वन तो यहां जो पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएंगे इट विल बी वन फॉर मैथ्स वन वन फॉर मैथ्स टू एंड सिक्स सी वन ये होता है सिक्स तो यहाँ पे द बुक ही कैन सिलेक्ट इज इंड केस देखते हैं उसने पार्ट वन सेक्ट किया लेकिन पार्ट टू वो नहीं सिलेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे अब उसे दो बुक्स सिलेक्ट करने बाकी है क्योंकि एक ही बुक उसने सेलेक्ट किया है तो वो दो बुक्स ये सिक्स अदर्स में से सिलेक्ट करेगा तो सिक्स सी टू तो यहां पॉसिबल सिलेक्शन हो जाएंगे मैथ्स वन का वन इंटू सिक्स सी टू अब सिक्स सी टू को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एज सिक्स इंटू फाइव अपॉन टू इंटू वन तो यहां पॉसिबल वेज हो जाता है फिफ्टीन सो दिस द सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन ये भी है कि वो मैथ्स वन भी सेलेक्ट नहीं करता है और मैथ्स पार्ट टू भी सिलेक्ट नहीं करता है लेकिन उसे अभी तीन बुक सेलेक्ट करना है तो वो तीनों के तीनों सिक्स अदर्स में से आएंगे तो दिस बी सिक्स सी थ्री ये अगर सिंप्लीफाई करें यहां पर सो दिस बी सिक्स इंटू फाइव इन टू फोर और नीचे आएगा थ्री इन टू टू इन टू वन थ्री टू जिक्स और ये सिक्स कैंसिल आउट हो जाता है सो so यहां पर आ जाता है ट्वेंटी वेज सो जो टोटल वेज होंगे सो द टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बिकॉज थ्री वे फर्स्ट और थर्ड कैन बी सिलेक्टेड इन द फर्स्ट वे और सेकेंड वे और दर्ड वे तो यहाँ पे नंबर ऑफ वे हम एड करेंगे मतलब सिक्स प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी ये हो जाता है फोर्टी वन तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए